उत्तराखंड में मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए एक शुरुआत वक्फ बोर्ड ने कर दी है, साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा भी दी जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब संत मौजूदन से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की संस्कृत शिक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने कहा है कि हम अपने मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं और मॉडर्न मदरसों में हम NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो NCERT के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो लोगों ने पूछा कि संस्कृत भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, अरबी फारसी के साथ उर्दू के साथ हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो अपनी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। मेरे बच्चों को हर ज्ञान मिले, हर तरह की भाषा का ज्ञान मिले। और मेरे तो नबी ने कहा कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाओ, तो चीन में जाके चाइनीज़ सीख सकते हैं लेकिन अपने मुल्क में रह के संस्कृत नहीं सीख सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, उन्हें खुला आसमान दिया जाएगा, उनके परों को पूरी आज़ादी दी जाएगी, वो जितना आगे निकल सके उतना आगे निकले। और मुझे पूर्ण विश्वास है अब इन मॉडर्न मदरसों से डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफ़र, हाफिज़ कुरान के साथ साथ हम सब कुछ बनेंगे, और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुल्क को ताकत देने का काम करेंगे, माँ भारती के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इस आपकी ईमानदार कोशिश में सरकार आपके साथ है। शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि जिस जिस चीज़ की आवश्यकता मॉडर्न मदरसे में पड़ेगी, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग उसे पूरी तरह से आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए आपको हर जायज़ आपकी जो चीज़ होगी उसे मुहैया कराने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव माहौल है और इसमें उलेमाओं के साथ भी बैठ हम लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है हम मिलकर कुछ बहुत बेहतर कर लेंगे। कितने मदरसों शुरुआत करने जा रहे हैं और कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा? 4 मदरसों को हमने फिलहाल 4 ज़िलों के लिया है, और 4 के बाद हमने 117 के 17 मदरसों में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 4 मदरसों को पहले मॉड्यूल बना के पेश करेंगे और सब लोगों को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, सब लोगों को हम आमंत्रित करेंगे कि देखो हमारा मॉडल ये है, तो हमारा मॉडल अगर कामयाब मॉडल होगा तो लोग अपने आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये तो वक्फ बोर्ड की पहले, क्या मदरसा बोर्ड से जो मदरसे एफिलेटेड है उनमें भी शिक्षा? देखिए, मदरसा बोर्ड का विषय अलग है, वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जब वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करेगा तो सब लोग, सारे बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स, आम आदमी जिनके बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं, वो अपने आप आगे आएंगे और कहेंगे हमें ये शिक्षा चाहिए, हम भी अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम की तालीम हम भी देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को CBSE बोर्ड, NCERT का सिलेबस अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, वो माँ बाप भी आगे आएंगे। और लगातार मेरे पास आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे मदरसे को भी मॉडर्न एजुकेशन में शामिल कीजिए, सरकार आपके साथ आना चाहती है, सरकार आपके मदरसों को मॉडर्न बनाना चाहती है। अब हाफिज़ कुरान के साथ साथ आप बाकी सब कुछ भी बन सकते हैं। अगर इस दिशा में हमें एक मौका मिल रहा है तो हमें उसे ग्रैब करना चाहिए, ना कि उसमें कमियां निकालनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा को लेकर क्या मदरसे के जो तलबा हैं उनसे बातचीत हुई, जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत हुई, क्या वो चाहते हैं कि मदरसों में जो संस्कृत शिक्षा है वो दी जाए? नहीं, अभी हमारी बात बच्चों से नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन हम कह रहे हैं जब हम NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे ना, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, और मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जब चीन, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज नहीं थी ना, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम फ्रेंच पढ़ सकते हैं, हम अदर लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मास्टर कंप्यूटर बनता है तब संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना पढ़ें। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा हमें पढ़ाई के लिए वहाँ तक लेके जाएंगे, अपने बच्चों को खुला आसमान देंगे। मुझे लगता है माहौल बहुत पॉजिटिव है, देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अच्छी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उलमा इकराम, हमारे धर्मगुरु भी इसमें हमारा साथ देंगे। तो ये थे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब संत, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में ख्वाहिशों की तालीम तभी पूरी होगी जब एक हाथ में अरबी की होगी और दूसरी तरफ संस्कृत की शिक्षा भी जरूरी होगी। अपने सहयोगी स्वर्ण कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक देहरादून।